हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एम फैक्टर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कितना इम्पोर्टेंट है। ये एम फैक्टर मतलब कंस्ट्रक्शन में जो जो मतलब प्रोसेसेस है, जो जो टाइप्स है, ये हम वन बाय वन देखेंगे। अभी देखिए, सबसे पहले एम एम वो पहला एम मनी, एम फॉर मटेरियल, एम फॉर मशीनरी, एम फॉर मैन पावर, एम फॉर मोटिवेशन, एम फॉर मेजरमेंट्स, एम फॉर मार्जिन, एम फॉर मैनेजमेंट और एम फॉर मानसून। मतलब ये जो 10 फैक्टर्स है, ये 10 फैक्टर्स हम आज ये वन बाय वन देखेंगे। अभी सबसे पहले आ गया ये मनी। जैसे कि आप जानते हैं कि मनी मनी की मतलब पैसा, पैसे की वजह से ही पूरा प्रोजेक्ट रन होता है। तो पैसा है तभी अपना प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो जो पैसे के लिए मतलब जैसे कैश फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, बाद में फंडिंग प्रोजेक्ट का प्रॉपर होना चाहिए, इसकी वजह से ही प्रोजेक्ट अपना सक्सेसफुल होता है। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट जब चालू होता है तो चालू होने से पहले वो प्रोजेक्ट का फंडिंग प्रॉपर है कि नहीं, ये चेक करना चाहिए। वो फंडिंग प्रॉपर होने के बाद ही प्रोजेक्ट चालू होना चाहिए। जैसे रनिंग प्रोजेक्ट में टाइम टू टाइम लेबर बिल, जैसे मटेरियल्स का बिल, बाद में स्टाफ पेमेंट, स्टाफ सैलरीज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का बिल्स, सब टाइम टू टाइम होना चाहिए। उसके हिसाब से ही हम लोग मतलब कैश फ्लो अगर प्रॉपर रखेंगे तो प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम कंप्लीट होने के ज़्यादा चांसेस है और प्रोजेक्ट उसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, इवन टाइमली कंप्लीट भी हो सकता है। उसके बाद है मटेरियल। मटेरियल मेनली क्या है, मटेरियल बोले तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस, मतलब कौन सा टाइप का मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ब्रिक्स हो गया, एग्रीगेट्स हो गया, सैंड हो गया, ये ऑल टाइप का मटेरियल जो भी है वो मटेरियल प्रॉपरली ऑन टाइम साइट पर रीच होना चाहिए। वैसे भी और प्रॉपर क्वालिटी का मटेरियल भी चाहिए, क्योंकि ये मटेरियल ही प्रोजेक्ट की क्वालिटी शो करता है। प्रॉपर क्वालिटी मटेरियल आप लोग यूज़ करेंगे तभी प्रोजेक्ट का क्वालिटी एकदम बढ़िया रहेगा। और इसके लिए हमको मटेरियल जहाँ से भी लाते हैं वो सोर्स चेक करके वहाँ से प्रॉपर क्वालिटी का मटेरियल लाना है, उसको टेस्ट करके उसको यूज़ करना है। और सबसे बड़ी बात, जब हम प्रोजेक्ट रन करते हैं, चालू रहता है, तो वो प्रोजेक्ट चालू करते समय ऑन टाइम मटेरियल डिलीवरी होना बहुत ही ज़रूरी है, कि जिसके चलते प्रोजेक्ट अपना टाइमली कंप्लीट हो, ज़्यादा देर ना हो, मटेरियल नहीं आया इसलिए काम रुक गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए टाइम टू टाइम ऑन शेड्यूल मटेरियल अपना साइट पे आना चाहिए। उसके बाद है मैन पावर। अब मैन पावर एक बहुत ही क्रुशल पार्ट है कंस्ट्रक्शन का। जैसे मैन पावर में कैसे लेबर्स आ गए, वर्कर्स, ऑल टाइप ऑफ वर्कर्स हो गए, जैसे कारपेंटर, फिटर्स, मेसन, उसके बाद बिल्डर, उसके बाद इवन स्टाफ भी उसी में आ गया। तो ये मैन पावर प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडोक्वेट और इफ़िशियंट मैन पावर अगर प्रोजेक्ट में रहेगा तभी प्रोजेक्ट अपना टाइमली कंप्लीट हो पाएगा, और ज़्यादा मैन पावर रहेगा तो प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैन पावर का हम लोगों को प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी कब लगने वाली है और उस एक्टिविटी में कितना मैन पावर अपने को लगने वाला है, ये सब हमको अरेंज करके टाइम टू टाइम वो मैन पावर अपने को साइट पे अवेलेबल करना चाहिए। उसके हिसाब से ही अपना प्रोजेक्ट आगे रन होगा और अपना मतलब शेड्यूल में हम लोग अचीव कर पाएंगे, टाइम टारगेट अपना अचीव कर पाएंगे। इसलिए मैन पावर को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद है मशीनरी। अभी मशीनरी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मशीनरी की वजह से कैसा है, मशीनरी मेनली कंट्रीब्यूट किसके लिए करता है, इकोनॉमी, क्वालिटी, सेफ्टी, स्पीड और टाइमली कम्प्लीशन। जैसे काम अपने को फास्ट में करना है तो इसके लिए अपने को मशीनरी भी बहुत ज़रूरी है। अभी मशीनरी में हम लोग जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो डिपेंड अपॉन प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट में अपने को कितना आउटपुट होने वाला है उसके ऊपर हम लोग हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कितना हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। वो मशीनरी का आउटपुट, हम लोग मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट है वो उसका आउटपुट जितना आता है उस पर पूरा रिकवरी करने का कोशिश करते हैं। और मशीनरी जो भी है उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। और मशीनरी अगर टाइम टू टाइम जो एक्टिविटी है अपना चल रहा है उसके हिसाब से अपने को मशीनरी टाइम पे साइट पे आना चाहिए। जैसे कोई एक्टिविटी है मशीनरी नहीं आई तो काम रुक गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी चालू हो रहा है तो उसके हिसाब से अपने को मशीनरी साइट पे अवेलेबल चाहिए और ये टाइम टू टाइम चाहिए।
और उसके बाद मॉनिटरिंग है। अभी मॉनिटरिंग कैसा है? मॉनिटरिंग मतलब हम लोग जो प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, जो भी हम लोग मतलब प्रोग्रेस कैसा प्लान करते हैं, एक अपना एक बार चार्ट बनाते हैं कि ये एक्टिविटी अभी ये टाइम में होगा, वो एक्टिविटी वो टाइम में होगा, तो उसको हम लोगों को ट्रैक करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि अपना प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस टाइम टू टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी आगे है कोई एक्टिविटी पीछे है, अगर पीछे है तो क्यों पीछे है, उसको क्या एक्स्ट्रा रिसोर्स की ज़रूरत है, क्या क्या उसको ज़रूरत है कि वो टाइम टू टाइम हम लोग अपना टारगेट अचीव कर सके, तो उसके हिसाब से हम लोगों को वो मॉनिटरिंग करना पड़ता है। और मॉनिटरिंग की वजह से हम लोगों को ये भी पता चलता है कि हम लोग कहाँ आगे या कहाँ शॉर्टफॉल है, कहाँ हम लोग आगे जा रहे हैं या फिर कहाँ हम पीछे हो रहे हैं। वो शॉर्टफॉल अगर हम लोगों को भर के लेना है तो हम लोगों को कौन कौन से रिसोर्सेस फिर और बढ़ाना पड़ेंगे या फिर क्या प्रॉब्लम्स है वो दूर करने पड़ेंगे, उस हिसाब से हम लोग ये मॉनिटरिंग का ये करते हैं। उसके बाद है मार्जिन। मार्जिन मतलब क्या है? मार्जिन इज नथिंग बट प्रॉफिट, मार्जिन बट नथिंग बट बॉटम लाइन में बोल सकते हैं हम लोग। जैसे हर बिल्डर टू बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर, हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मार्जिन ही अलग रहता है। कोई मतलब बिल्डर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो मार्जिन कोई कम रखता है, प्राइवेट प्रोजेक्ट है कोई मार्जिन ज़्यादा रखता है। ये मार्जिन जो है उस कंपनी का मेनली बिजनेस का ये दिखाता है कि आप कितना मार्जिन मतलब कितना प्रॉफिट कमाए हैं, उसके हिसाब से आपका बिजनेस रनिंग कॉस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना है, और कितना प्रॉफिट के हिसाब से आप लोग कितना पैसे कमा रहे हो, बिल्डर या फिर कॉन्ट्रैक्टर कितने आप पैसे कमा रहे हो, मतलब टोटल आप इन्वेस्टमेंट करके तो आपका आउटपुट होने के बाद टोटल आपका इन्वेस्टमेंट प्लस आपका ओवरहेड्स ये सब मिला करके या क्लाइंट से जो भी बिल मिलता है वो अगर उससे भी ज़्यादा है तो कुछ परसेंटेज जो भी रहता है वो मार्जिन अपना मतलब इसको हम लोग बॉटम लाइन बोलते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो कितना रखना है वो कॉन्ट्रैक्टर है बिल्डर पे डिपेंड है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पे डिपेंड है, वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। अभी मोटिवेशन कैसा है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में, मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई अपने एक्टिविटी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चालू रहता है, तो भी हम लोगों को वर्कर्स को एक डिफाइन करना पड़ता है कि हम लोगों को ये चीज़ अचीव करनी है, हम लोगों को इतना इतना टारगेट इस डे में अचीव करना है, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, आपको और कुछ रिसोर्सेज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फिर आपको कैसे, अगर कुछ चाहिए तो आप बताइए, रिसोर्सेज चाहिए कुछ टूल्स वगैरह कुछ मशीनरी इक्विपमेंट कुछ चाहिए तो आप बताओ, उसके हिसाब से हम लोग उनको प्रोवाइड करके मोटिवेट करते हैं या फिर उनको एक लमसम एक्टिविटी करने के लिए हम लोग 1 हाजिरी है तो उसको 1.5 टाइम्स पे मतलब 1.5 हाजिरी दे करके उसको बोलते कि ये अपने को ये आज काम करो तो उतना अपना ये काम निकल जाएगा, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिलता तो वो भी मोटिवेट होकर काम कर सकता है। तो मेनली कैसा है, वर्कर्स को मोटिवेट करना, उनमें उत्साह भरना, काम करने के लिए उनको एनर्जाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम लोग अपना टारगेट अचीव कर सके। और इसमें हम लोगों को ये भी दिखाना है कि कंपनी उनके तरफ से कितना केयरिंग है, उनके बारे में कितना ख्याल रखती है, उनको अलग अलग से फैसिलिटीज़ देना, उनको इंसेंटिव्स देना, कुछ टारगेट पूरा होने पर इंसेंटिव्स, कभी कभी कुछ बोनस वगैरह कुछ देना या फिर सर्टन अमाउंट का कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट देना ताकि वो उनका काम करने का जोश बना रहे और हम अपना टारगेट भी अचीव कर सके। इसलिए मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी है। अभी मेजरमेंट, अभी हम लोग ये सब जो काम करते हैं उतना पूरा काम मतलब वर्किंग का जो भी RCC हो, ब्रिक वर्क हो, मैसनरी हो, प्लास्टर हो, कंस्ट्रक्शन में जो भी काम करते हैं उसका एक प्रॉपर मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेजरमेंट होने के बाद ही हम लोग उसको क्वांटिटी वर्कआउट कर सकते हैं और ये क्वांटिटी वर्कआउट होने के बाद ही हम लोगों को एग्जैक्ट फिगर, उसके रेट के हिसाब से अमाउंट और ये प्रॉपर हम लोगों को एक बजट या फिर ये टोटल अमाउंट या प्रोजेक्ट कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। तो ये जो मेजरमेंट करना, मेजरमेंट बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ गलती वगैरह हुआ
तो कॉस्ट पे या प्रोजेक्ट के इस पे असर हो सकता है। तो इसलिए एक्यूरेट मेजरमेंट करना और बिल ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से स्टैंडर्ड मेजरमेंट अपना ये जरूरत है, उसके हिसाब से मेजरमेंट करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटी सर्वे ने ड्राइंग के हिसाब से बिल प्रोड्यूस कर दिया होगा, ऐसा नहीं। साइट पे एक्चुअल मेजरमेंट लेना है, एक्चुअल जो भी वर्क होना है उसको रिकॉर्ड करना है और ड्राइंग के हिसाब से उसको चेक करके आगे प्रोड्यूस करना। इसलिए मेजरमेंट का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अभी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कैसा रहता है, ये अभी हमने जितने फैक्टर्स देखे अभी, जैसे मैन पावर हो, मशीनरी हो, मटेरियल हो, मनी हो, मोटिवेशन हो, या फिर जो भी मेजरमेंट, ये सबको कंट्रोल करना मैनेजमेंट का मेन रोल है। ये सबको कंट्रोल करके अपना प्रोजेक्ट जो है, एक टारगेट जो रहता है अपना अचीव करना, मतलब और बजट, अपने बजट में ही और अपने टारगेट में ही, एक लिमिटेड जो शेड्यूल टाइम है उसमें और अपने बजट में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मैनेजमेंट को सब लोगों को हैंडल करना पड़ता है, इंक्लूडिंग साइट स्टाफ, वर्कर, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एज वेल एज क्लाइंट्स, आर्किटेक्चर, कंसल्टेंट, जो भी लोग रहते हैं उन सबको हैंडल करना है और प्रोजेक्ट स्मूथली रन होना और अपना टाइम शेड्यूल में कंप्लीट होना और उसके साथ साथ अपना बजट में भी होना, मतलब इकोनॉमी पे भी ध्यान रहता है कि कॉस्ट अपना जो डिसाइड किया उसके हिसाब से ही प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं, ये भी ध्यान रखना। मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा रोल है, जिसके प्रोजेक्ट मैनेजर रहते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल रहता है, उसके अंडर में पूरा कंट्रोल रहता है कि वो कैसे पूरा प्रोजेक्ट निकाले, वो कैसे सबको मैनेज करके अपना टाइमली और बजट में मैनेज करके पूरा प्रोजेक्ट निकाले, प्रोजेक्ट या फिर पूरा कंप्लीट करे टारगेट में। इसलिए मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत बड़ा रोल रहता है। अभी अब मानसून, अभी मानसून कैसा है, मानसून की वजह से अपना कंस्ट्रक्शन काम बहुत जगह स्टक हो जाता है या फिर रुक जाता है, क्योंकि अभी कैसा है मानसून में हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क तो पूरा एक्सपोज वर्क है, मतलब जो भी पूरा, मतलब मानसून आएगा तो हम लोग उस मानसून के टाइम में कंक्रीट नहीं कर सकते या फिर जो भी एक्सटर्नल एक्टिविटी वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपने को मानसून पीरियड के लिए जो भी सिर्फ इंटरनल एक्टिविटीज़ है, जैसे टाइलिंग है, फ्लोरिंग है, डोर फिक्सिंग है, ये सब हम एक्टिविटी करते हैं। एक्सटर्नल एक्टिविटी करना बहुत ही मुश्किल है। अगर कुछ मानसून में काम करना भी है तो हमको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके करना पड़ता है। तो अभी और दूसरी चीज़, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर टेंडर या जो रहता है, तो जब फिक्स होता है तो कॉन्ट्रैक्टर कैसा, वो प्रोजेक्ट का पीरियड जो भी रहता है वो इधर इंक्लूडिंग मानसून रहता है और एक्सक्लूडिंग मानसून रहता है। इंक्लूडिंग मानसून अगर रहेगा तो आपको टोटल जो भी काम ड्यूरेशन है उतना ही रहेगा, और एक्सक्लूडिंग मानसून जो रहेगा तो आपको जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है प्लस उसमें से आप लोग मानसून पीरियड ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए ये मानसून का भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मानसून में प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। या साथ साथ में हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि ज़्यादा अपना जो भी काम किया है उसका नुकसान ना हो। तो ये जो अभी हमने 10 फैक्टर्स देखे, एम फैक्टर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये जो 10 फैक्टर्स है इनका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल देखते रहिए। और मेरे चैनल पे आप जितने भी अपने वीडियो आप देखना है, मैं अपना URL इधर आई बटन में शेयर कर रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।